मनु सोना बाबू। तो फ्रेंड देख सकते हैं आप ये कितने सारे कपड़े धुले हैं, और ये देखिएगा। सभी को नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? मैं अच्छी हूँ, वेलकम है आपका मेरे चैनल मधु के ब्लॉग में। तो फ्रेंड्स, आज जो है हो रहा है दोपहर का टाइम, करीबन 2 बज रहे हैं। मैं स्कूल से आई थी तो फिर मैंने कहा चलो आज कपड़े धो लेती हूँ, कई दिनों से कपड़े नहीं धुल रहे थे तो सब ऐसे ही हो रहा था। और ये देखिएगा मैं धो रही हूँ कपड़े, और मशीन भी लगा रखी थी, और क्योंकि मुझे उसमें अच्छा नहीं लगता है तो मैं इसी में ही बाहर ही खंगालती हूँ कपड़ों को, और फिर जो ज़्यादा हैवी कपड़े हैं वो मशीन में ही सुखाती हूँ। तो ये दोनों काम में लग रही थी करने में, और पैरों में दर्द भी मेरे बहुत बना हुआ था, तो लेकिन कपड़े ज़रूर धोने थे क्योंकि अभी संडे में भी नहीं धो पाए थे क्योंकि पाइपलाइन लग रही थी तो बहुत ज़्यादा घर में ऐसी घिचपिच हो रहा था, तो मशीन भी यहाँ से नहीं लगा पा रही थी। तो बस फटाफट से कपड़े भी सुखा रही हूँ, कपड़े भी धुल रही हूँ, खंगाल भी रही हूँ, तो सारे कामों में लगी हुई हूँ। और अभी मैंने लंच भी नहीं किया है तो मैं सोच रही थी कि फटाफट इसे निपटा लूँ, अगर लंच वंच करने बढ़ गई तो फिर खाना खाने को मन नहीं करेगा बिल्कुल भी, मतलब काम करने को मन नहीं करेगा। खाना खाने के बाद ऐसे ही होता है ना कि काम करने को मन नहीं करता है, तो फटाफट से इन्हें निकाल भी रही थी और कर भी रही थी। तो बस ऐसे ही मेरा आज का जो रूटीन था बहुत ज़्यादा बिजी हो गया था। सुबह भी ऐसे ही रहता है और दोपहर में भी, अगर क्योंकि कपड़े तो खैर मैं रोज़ नहीं धोती हूँ, मतलब इकट्ठे कर लेती हूँ, हफ्ते में एक बार ही मशीन लगाती हूँ, तो इस बार एक हफ्ते में भी नहीं लगा पाई थी। तो बस ऐसे ही चल रहा है, फटाफट से लगी हुई हूँ क्योंकि थोड़ी बहुत धूप कपड़ों को लग जाएगी तो थोड़ा सा कपड़े सूख जाएंगे और फिर मेरा एक ही दिन में काम निपट जाएगा, नहीं तो फिर 2 दिन तक फैले रहते। तो यहाँ धुल रहे थे कपड़े, और उसके बाद कपड़े अपड़े धोने के बाद फिर मैं खाना वाने का देखूँगी। और आज जब घर फैल ही गया है तो सफाई वगैरह भी सुबह के टाइम तो हो नहीं पाती है, तो सफाई वगैरह भी धीरे धीरे करती हूँ, बेड की चादर वगैरह सारे ही बदलनी है, सारे ही काम हो रहे हैं। तो यहाँ पर जो है पाइप निकाल के थोड़ा सा पाइप से पानी भी मैं यहाँ पर कर रही हूँ, और बाथरूम यहाँ पर ना नल जो लगा हुआ है ये डायरेक्ट पानी का है, तो अभी बार बार मोटर तो चलानी सही नहीं लगता है, मतलब बार बार कितना मोटर चलाओगे, बस टंकी के पानी का ही यूज़ कर रही थी। तो ये देखिएगा कभी बैठ के कभी खड़े होके कभी इस तरीके से कपड़े मेरे धुल रहे हैं क्योंकि मेरे पैरों में दर्द बहुत ज़्यादा रहता है तो इसी वजह से मेरे को प्रॉब्लम बहुत होती है। तो यहाँ पर अभी धूप बहुत तेज़ हो रही है बाहर, अगर कपड़े टाइम से धुल जाते हैं तो आप भी सूख भी जाएंगे बड़ी बहुत जल्दी से, फास्ट फास्ट मतलब सब काम मेरा हो जाएगा। और अगर धूप नहीं होती है ना तब भी थोड़ी सी प्रॉब्लम होती होती है, एक बंदरों ने बहुत आतंक मचाया हुआ है, अगर सुबह भी किसी तरीके से डाल दो या रात में भी डले रहने दो ना कपड़े बाहर तो बड़ी मुसीबत होती है। एक तो बंदर कपड़े अपड़े फाड़ देते हैं, शर्ट वर्ट के जो बटन वगैरह हैं उन्हें तोड़ देते हैं, तो इस वजह से कपड़ों को अपनी निगरानी में ही सुखाना पड़ता है, अपनी निगरानी में ही सब कुछ करना पड़ता है। तो फ्रेंड्स, चल रहा है यहाँ पे काम वगैरह, तो आज मैंने कहा चलो आपके साथ यही शेयर कर लेती हूँ। और घर में जो है सभी लोग हैं, सभी लोगों का काम तो निपट जाता है, बस मेरा ही काम ऐसा रहता है। देख सकते हैं आप ये कितने सारे कपड़े धुले हैं, और ये देखिएगा यहाँ से अभी कुछ कपड़े सूख चुके हैं पहले के डले हुए, उनको मैंने इकट्ठे कर दिया ऐसे, और फिर इनको लेके चलूँगी नीचे, यहाँ भी कुछ इकट्ठे कर दिए हैं और अभी कुछ बाद में डाले हैं तो वो अभी सूखेंगे। ये देखिएगा मास्क वास्क सब धुल रहे हैं, तो अगर छुट्टी के दिन कपड़े वगैरह ना धुलें ना तो बहुत परेशानी हो जाती है, फिर आगे पीछे जो है
स्कूल घर सब कुछ करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो आप देख सकते हैं अभी कुछ कपड़े नीचे भी हैं जो सूख चुके हैं नीचे ही, क्योंकि जो ऊनी वगैरह होती है ना पैजामियाँ वगैरह वो तो मशीन में सूख जाती हैं आसानी से, उनको ऊपर डालने की वगैरह की कोई ज़रूरत नहीं होती है। तो बहुत बुरी तरीके से थक गई हूँ, और देखिए ट्रेन भी आ रही है और ट्रेन की आवाज़ आ रही है यहाँ से। तो पर्दे भी धुल दिए थे क्योंकि मैं हाथ वगैरह पोंछती हूँ ना तो मेरे से ही गंदगी हो जाती है। तो चलते हैं नीचे, अब जो कपड़े सूख गए हैं उनको नीचे निकाल लेती हूँ। जैसे कि ये सूख गए ना उनको ले चलती हूँ नीचे। तो फ्रेंड्स मैं आ गई हूँ नीचे, थोड़ा बहुत यहाँ काम निपटा लिया था, कपड़े अभी इसमें कुछ सूख भी रहे हैं मशीन में, और कुछ कपड़े जो सूख गए थे उन्हें मैं नीचे ले आई हूँ। अभी मुझे बेड पे चादर भी बिछानी है, तो चलो अब चादर भी बिछा लेती हूँ। कपड़ों की तह में लगा चुकी हूँ जो ऊपर से अभी लेकर आई थी, बाकी अभी कपड़े ऊपर सूख रहे हैं उन्हें बाद में लेकर आऊँगी। तो यहाँ बिछा लेती हूँ चादर। तो चादर ना यहाँ पर मेरे कमरे में ना स्पेस कम है, तो चादर बिछाने में भी मुझे बहुत प्रॉब्लम होती है क्योंकि इस तरफ से दबाना और इस तरीके से दबाना तो बड़ा मुश्किल सा पड़ता है। तो मैंने कहा चलो चादर भी बिछा लेती हूँ, साफ़ सफाई ठीक से हो जाती है ना तो अच्छा सा लगता है, मन भी अच्छा सा रहता है। तो यहाँ पर सफाई हो रही है और जो है चादर वगैरह भी बिछा रही हूँ। आज पूरे उस पर लगी हुई हूँ आराम से करने पर मैं, और क्योंकि आज दोपहर बाद कपड़े धोए हैं तो उनको सही करने में तो समय लगेगा ही। तो ये देखिएगा, फ्रेंड्स ये हमारे छुटकू से मिलिएगा, प्यारू प्यारू छुटकू है। लास्ट में इसको दिखाती हूँ, कभी मैं इसको शुरू में दिखाती हूँ, तो देखिएगा कैसे खेल रहा है ये मेरे कमरे में आके। तो ऐसे ही मस्त मौला रहता है, मेरा दिन बहुत अच्छे से गुजरता है इसको देख के। और ये देख बच्चे लग रहे हैं इसपे शाम खेलने पे, और ना इसके सिर पे वो रखा हुआ है कपड़ा सा लगा रखा है जिससे इसको हिचकी बहुत आ रही थी, तो हम लोगों में लगाते हैं इस तरीके से, अगर हिचकी ज़्यादा आती है तो इसको हिचकी आ रही थी तो इस वजह से लगा रखा था। और ये मस्ती से खेल रहा है मेरे साथ में। तो फ्रेंड्स अभी आज के ब्लॉग का करती हूँ यहीं पे एंड, मिलते हैं कल एक अच्छे से नए ब्लॉग के साथ में। और इसी के साथ ओके बाय बाय, गुड डे, टेक केयर। बच्चों ने बहुत परेशान कर रखा है पीछे से।